अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, देखिए क्या दिया हुआ है। एक्स कमरे में दो लड़के और दो लड़कियां हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि एक्स कमरे में दो लड़के और दो लड़कियां, तो एक्स कमरे में जो दो लड़के हैं, तो लड़के यानी कि बॉयज, तो मैं इसको एक काम करता हूं बी वन और बी टू, दो बॉयज हो गए ठीक है, और दो लड़कियां यानी कि गर्ल जी वन और जी टू, तो ये है ठीक है, ये चारों एक्स कमरे में है ये प्रश्न के अनुसार से। फिर आगे क्या दिया है देखिए, तथा वाई कमरे में एक लड़का और तीन लड़कियां हैं, तो वाई कमरे का जब बात करेंगे तो एक लड़के यानी कि बी क्या हो जाएगा, दो बॉय तो पहले से हो गए तो बी थ्री हो जाएगा ठीक है, और लड़कियां कितने तीन, यानी कि जी वन जी टू तो हो चुका था, जी थ्री जी फोर जी फाइव, तो ये हो गया ठीक है। एक्स कमरे में इतने लोग हैं और वाई कमरे में इतने लोग हैं। अब पूछा क्या गया है, उस परीक्षण का प्रतिदर्श समृष्टि ज्ञात कीजिए, यानी कि सैंपल स्पेस हमें ज्ञात करना है, जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है ठीक है। तो हमें सैंपल स्पेस ज्ञात करना है, एक कमरा चुना जाएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले सपोज एक्स कमरा चुना जाएगा, तो एक बच्चा कौन सा होगा, या तो बी वन होगा, बी टू होगा, जी वन होगा, जी टू होगा, ये कोई सा भी हो सकता है ठीक है, ये सभी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बी वन एक अवयव हो जाएगा, फिर एक्स बी टू दूसरा, एक्स जी वन एक्स जी टू, तो ये सभी एक्स कमरे से चुने जा सकते हैं। अब अगर कमरा वाई चूज किए ठीक है, अगर इसको सेलेक्ट कर लिए तो क्या होगा, वाई के साथ तो ये सब बच्चे आएंगे, क्या हो जाएगा बी थ्री जी थ्री जी फोर और जी फाइव, तो ये सभी अवयव आ जाएंगे इस समुच्चय के अंदर, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में, देखिए क्या दिया हुआ है। एक पासा लाल रंग का है, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का है, तो देखिए तीन कलर का पासा दिया हुआ है ठीक है, पहला लाल रंग का दिया हुआ है, तो लाल रंग का पास्ता जिसे मैं आर से डिनोट कर दूंगा रेड ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है सफेद, तो इसको व्हाइट यानी कि डब्लू, और नीला यानी कि ब्लू, इससे मैं डिनोट कर देता हूं। देखिए प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है, एक थैले में रखे हैं एक पासा यादृच्छ्य चुना गया और उसे फेंका गया है, पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक का प्राप्त संख्या को लिखा गया है, प्रतिदर्श समृष्टि का वर्णन कीजिए, यानी कि हमें सैंपल स्पेस निकालना है ठीक है। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो रेड कलर का आएगा, या तो व्हाइट, या तो ब्लू। अगर रेड कलर का आया तो उसमें से एक आएगा, उसका जो मुख होगा एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, या फिर छह आएगा, तो छह तक क्या आएगा रेड कलर में, तो आर वन आर टू कॉमा देता हूं ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव R6, ये आ सकता है। अगर व्हाइट कलर का आया तो व्हाइट के साथ एक आ सकता है या दो आ सकता है, तो ऐसा छह तक आ सकता है। उसी प्रकार अगर ब्लू कलर आ गया तो क्या होगा, B1, B2, B3, B4, B5 और B6, तो ये सभी अवयव होंगे जो इस समुच्चय के अंदर आएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ये हो गया उत्तर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, एक परीक्षण में दो बच्चों वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के लड़कियां की संख्याओं को लिखा जाता है, पहला केस, तो पहला केस देखते हैं। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा, देखिए क्रम दिखाना है हमें ठीक है, तो देखिए क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिदर्श समृष्टि क्या होगी, प्रतिदर्श समृष्टि यानी कि सैंपल स्पेस क्या होगी, तो देखिए हमें सीक्वेंस बताना है, क्रम बताना है, तो या तो पहला लड़का हो सकता है यानी कि बॉय, दूसरा गर्ल तो बी जी ठीक है, या तो पहली गर्ल हो सकती है फिर दूसरा बॉय हो सकता है तो जी बी ठीक है, या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं या तो दोनों गर्ल्स हो सकते हैं ठीक है, तो ये चार चांसेस है, तो पहला बॉय या दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय या दोनों गर्ल, यही चार चांसेस है ठीक है, तो ये हो गया पहला का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा, देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिए, यदि हमारी रुचि किसी परिवार के लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समृष्टि क्या होगी, देखिए इसका भी सैंपल स्पेस ज्ञात करना है। अगर किसी परिवार में लड़की की संख्या क्या हो सकती है, तो दो बच्चे वाले परिवार है वो ठीक है, तो या तो एक भी लड़की नहीं होगी ठीक है, दोनों बार हो जाएंगे ठीक है,
या तो एक लड़की होगी तो एक बॉय, या तो दोनों ही लड़की होगी, तो ये तीन अवयव आएगा इस समुच्चय के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, देखिए क्या दिया हुआ है। एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी तीन सफेद रंग की गेंद रखी गई है, दो गेंद उत्तरोत्तर इन सक्सेशन बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छ्य निकाली जाती है, इस परीक्षण का प्रतिदर्श समृष्टि ज्ञात कीजिए। हमें सैंपल स्पेस ज्ञात करना है। देखिए एक लाल रंग का दिया हुआ है, तो रेड लाल रंग का एक दिया हुआ है और व्हाइट सफेद रंग का तीन दिया हुआ है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए क्या हो सकता है, या तो पहला रेड दूसरा व्हाइट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि पहला व्हाइट हो जाए दूसरा रेड, या फिर दोनों व्हाइट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो गेंद को निकाला जा रहा है तो दो चांसेस बस बनेगा, या तो रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, या व्हाइट व्हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, देखिए क्या दिया हुआ है। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, चीत या पट, ठीक है, और यदि उस पर चीत प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया, इसका सैंपल स्पेस हमें निकालना है, चीत यानी कि हेड, ठीक है, तो अगर उसमें हेड प्रकट होता है तो उसको डबल हम उछालेंगे, ठीक है। यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है, तो देखिए तो दो बार उछाला जाएगा, पहले बार में दोनों में हेड हेड आ जाएगा, चीत आ जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, हेड टेल हो सकता है, ठीक है, या टेल हेड एक ही मतलब है, क्योंकि एच टी लिखूं या टी एच लिखूं एक ही मतलब है, ठीक है, सीक्वेंस चेंज करने से ये अवयव चेंज नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, पहले बार में हेड हेड हो सकता है, दूसरे बार में हेड टेल हो सकता है, फिर क्या बोला है, अगर टेल आएगा यानी कि पट आएगा तो उस पर डाइस फेंका जाएगा, ठीक है, पासा। तो देखिए जब टेल आएगा तो टेल के साथ एक आ सकता है पासा के लिए, फिर टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स, तो ये सारे अवयव इस समुच्चय के अंदर आएगा यानी कि इस सैंपल स्पेस के अंदर। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11, देखिए देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या दिया हुआ है। एक मान लीजिए कि बल्बों की ढेर में से तीन बल्ब यादृच्छ्य निकाले जाते हैं, प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और उसे खराब डी, डी मतलब कि डिफेक्ट होगा, या ठीक एन, तो ठीक को हम एन, ठीक है। तो देखिए अगर खराब रहेगा वो बल्ब तो उसे हम डिफेक्ट डी से डिनोट करेंगे, और अगर वो ठीक रहेगा यानी कि नॉर्मल तो उसे एन से डिनोट करेंगे। मैं वर्गीकृत करते हैं, इस परीक्षण का प्रतिदर्श समृष्टि ज्ञात कीजिए, हमें इसका सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समृष्टि ज्ञात करना है। तो क्या चांसेस है इसे तीन बार चेक किया जाता है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है प्रश्न की पहले लाइन में ही, मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में तीन बल्ब निकाले जाते हैं, ठीक है, तीन बल्ब निकाले जाएंगे तो कौन सा डिफेक्ट होगा कौन सा नॉर्मल होगा, तो ये भी हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट से हम इसको मैच कर सकते हैं। देखिए दो चांसेस है, या तो डिफेक्ट या तो नॉर्मल, तो हेड और टेल का दो चांसेस होता था, ठीक है। तो इसका फेस क्या है, तो डी और एन यानी कि फेस मुख का घात एन ये होते हैं, तो मुख क्या है इसका दो है, या तो डिफेक्ट होगा या तो नॉर्मल होगा। कितने बार चेक किया जाता है इसको, तीन बार निकाला जाता है, तो पावर हो जाएगा तीन, दो का पावर तीन क्या हो जाएगा आठ, इसका मतलब इस समुच्चय के अंदर आठ अवयव आएंगे, आठ एलिमेंट आएंगे। तो क्या क्या हो सकता है वो, तो हम हेड टेल का कैसे निकालते थे वैसे डी और एन का भी निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए हेड टेल का हम कैसे करते थे, तो डी और एन ये होगा, इसे हम तीन बार चेक करेंगे, तो तीन एरो क्योंकि पावर तीन है, सबसे पहले हेड करते थे तो यहां पे डिफेक्ट है तो डी करेंगे, कितना चांसेस है आठ अवयव आएगा, तो आठ बार लिखना है डी और एन को अल्टरनेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक के बाद एक, तो डी के बाद एन, फिर डी, फिर एन, फिर डी एन डी एन, तो आठ बार हो गया क्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अब क्या करते हैं इसको डबल कर देते हैं शुरू वाले को, यानी कि डी डबल हो गया, फिर एन डबल, डी को डबल कर देंगे, फिर एन को डबल, फिर अगले इनमें क्या करते थे, ये डबल का डबल क्या होगा चार बार, तो डी चार बार आ जाएगा, फिर एन चार बार, तो ये सभी अवयव बन जाएंगे इस सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल डी कॉमा डी डी एन डी एन डी डी एन 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 डी डी एन डी एन 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 डी और लास्ट ट्रिपल एन, तो ये सभी समुच्चय हो जाएगा इसके समुच्चय के अंदर, तो ये हो जाएगा उत्तर।
अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, देखिए क्या दिया हुआ है। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्र हो तो पासा फेंका जाता है। देखिए इसका हमें सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समरिष्टि ज्ञात करना है। तो एस बराबर एक सिक्का को उछाला जाएगा या एक बार उछाला गया इसमें तो एक बार या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो हेड यानी कि चित्त और टी यानी कि पट, तो इसमें पट आ सकता है तो टी लिख दिया पहले ही, ठीक है। लेकिन अगर हेड आया यानी कि चित्त आया तो देखिए क्या दिया है, यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है, ठीक है। तो अगर हेड हो गया तो पासा फेंका जाएगा, यानी कि जब पासा फेंका जाएगा साथ में तो H1, H2 ये पूरा H6 तक जाएगा। लेकिन आगे केस में और क्या दिया गया है, इसमें यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट हो तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो ठीक है, जब इसमें सम संख्या आएगा तो सम संख्या क्या हो सकता है, 2, 4 और 6। अगर H2, H4, H6 आएगा तो उसे एक बार और फेंका जाएगा पासा को, ठीक है, ये बोला गया। लेकिन विषम आएगा तो फिर तो डबल नहीं फेंका जाएगा, तो विषम के लिए पहले लिख लेता हूं मैं। तो क्या होगा, H1, H3 और H5, इसके लिए डबल नहीं फेंका जाएगा। लेकिन हाँ, फिर क्या आएगा, H2 आएगा तो डबल फेंका जाएगा। तो डबल फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2 के साथ 1 आएगा, फिर H2 के साथ 2 आएगा, फिर H2 के साथ 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं, ठीक है। ये 2 के साथ, ये एक सम संख्या के लिए तो हो गया। अगर 4 आ गया तो 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 2, 3, 4, 5 और 6, ये 4 के लिए हो गया। अब उसी प्रकार अगर 6 आ गया तो 6 भी तो सम संख्या है, तो 1 होगा जब डबल फेंकेंगे, तो फिर 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6। तो ये सभी अवयव इस समुच्चय में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सैंपल स्पेस इसका। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न क्रमांक 13। देखिए क्या दिया गया है, कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1, 2, 3 और 4 अलग अलग लिखी गई है। तो 4 पर्ची है कागज का जिसमें 1, 2, 3, 4 लिखा गया अलग अलग। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्ची एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है, तो 2 पर्ची निकालेगा, ठीक है। तो 2 पर्ची यानी कि 2 नंबर आएगा, ठीक है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समरिष्टि ज्ञात कीजिए, यानी कि सैंपल स्पेस हमें इसका ज्ञात करना है। देखिए टोटल 4 पर्ची है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और हमें एक समय में 2 पर्ची निकालना है, ठीक है। तो 2 पर्ची आएगा तो हो सकता है कि एक के साथ एक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 पर्ची है, 1, 2, 3, 4, हमें 2 पर्ची उठाना है, तो एक को मैं उठा चुका हूं तो एक को फिर से कहां उठा पाऊंगा, ठीक है। तो उसका युग्म बनाना है, तो इसमें में से कोई आएगा, ठीक है, एक के साथ एक नहीं आ सकता, तो एक के साथ या तो 2 आएगा, 3 आएगा या तो 4 आएगा। तो एक के साथ 2 हो सकता है, ठीक है, तो 1, 2 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 1, 4 हो सकता है। ये जब एक को निकालूंगा तब, अब अगर मैं एक को नहीं निकाला, पहले पर्ची में 2 को निकाल लिया, ठीक है, तो 2 को निकाल लिया, फिर क्या होगा, 2 के साथ 2 कभी नहीं आएगा क्योंकि 2 को मैं निकाल चुका हूं, तो 1, 3 और 4 आएगा। तो 1, 3 और 4 ये हो गया। हो सकता है मैं 3 को निकाल लूं पहला पर्ची के रूप में, तो 3 के साथ 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 3 कभी नहीं आएगा क्योंकि 3 तो पहले से निकल चुका है पहले पर्ची के रूप में, तो क्या आएगा, 4। अब उसी प्रकार 4 के साथ 1 आएगा, 2 और फिर 3। तो इस प्रकार ये सभी इस समुच्चय का अवयव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ये हो गया उत्तर। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14, देखिए क्या दिया हुआ है। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है, तो एक परीक्षण होगा तो हमें इसका देखिए प्रतिदर्श समरिष्टि लिखना है, यानी कि सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखिए एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का जो प्रश्न है ना, इसे बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सेंटेंस पढ़ते जाओ और उसके हिसाब से जो उसका अवयव आते जाएगा उसको लिखते जाना है, तो इजी पड़ेगा, ठीक है, बर्डन नहीं पड़ेगा। एक सेंटेंस कंप्लीट, फिर उसके हिसाब से उसका अवयव लिखना है। जैसे कि देखिए इसमें मैं करता हूं, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, ठीक है। देखिए पासा फेंका जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आएगा, लेकिन अगर वो सम संख्या होगा तो सम संख्या कौन कौन से केस में होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, तब सब संख्या आएगा, ठीक है।
तब एक सिक्का उछाला जाता है, ये बोला है। तो जब सिक्का उछाला जाएगा तो हेड या टेल आएगा, तो जब सम संख्या आएगा दो, तो जब फिर क्या सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये चांसेस है। फिर चार होगा तो चार के लिए हेड आएगा या टेल आएगा, फिर वैसे ही छह के लिए हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये सभी अव्यय हो गया पहले केस के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस क्या बोला गया है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है, ये तो हो गया सम के लिए जब दो चार छह आएगा। अब अगर विषम होगा संख्या, तो विषम संख्या क्या हो सकता है, एक तीन और पांच, ठीक है। तो संख्या एक तीन और पांच अगर हुआ विषम, तो सिक्के को दो बार उछालते हैं, तो सिक्के को दो बार उछाला जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तीन और पांच आ गया स्टार्टिंग में, तो इसको दो बार और उछाला जाएगा सिक्के को। तो हमें इसका सैंपल स्पेस ज्ञात करना है। देखिए एक विषम है, ये विषम आ गया तो दो बार उछाला जाएगा सिक्के को, तो क्या आएगा, या तो दोनों हेड हेड होगा, ठीक है, या तो एक के लिए क्या होगा हेड टेल होगा, और क्या हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, ठीक है। तो इतना हो सकता है जब एक आएगा तब, तीन आएगा तो दो बार उछाला जाएगा। देखिए दो बार उछाला जा रहा है, फेस कितने हैं दो, तो कितना आएगा टोटल सैंपल, टोटल अवयव कितना आएगा चार। तो देखिए एक दो तीन चार हो गया, उसी प्रकार तीन के लिए भी हो जाएगा, तो तीन के लिए भी हेड हेड हो सकता है या क्या हो सकता है हेड टेल या टेल टेल या टेल हेड। उसी प्रकार पांच के लिए भी होगा हेड 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 टेल 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 और टेल हेड। तो ये सभी अवयव हो जाएंगी इस समुच्चय के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। देखिए प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया हुआ है, एक सिक्का उछाला गया यदि उस पर पट प्रकट होता है। देखिए सैंपल स्पेस हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। एक सिक्का उछाला जाएगा, या तो उसमें चीत आएगा या तो पट आएगा, ठीक है। तो पट आया यानी कि टेल, ठीक है। पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें दो लाल और तीन काली गेंद रखी है, एक गेंद निकालते हैं। तो देखिए खाली इतना ही सेंटेंस का भी मैं अवयव बनाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, पट आएगा तो पट यानी कि टेल, ठीक है। तो टेल आएगा तब, एक डिब्बे में से दो लाल रंग की गेंद, दो लाल रंग की गेंद दिया हुआ है यानी कि रेड, ये हो जाएगा R1 होगा पहला और दूसरा क्या होगा R2। तो R1 R2 ये लाल रंग का हो गया। और क्या दिया गया है, देखिए तीन काली गेंद, तो काली गेंद यानी कि ब्लैक, तो एक दो तीन ये सभी गेंद है, ठीक है। दो लाल रंग की यानी कि R1 R2 और दो ब्लैक, तो वन टू थ्री बी के साथ, ठीक है ये गेंद है। तो जब टेल आएगा यानी कि जब पट प्रकट होता है, तो एक डिब्बे में से जिसमें दो लाल और तीन काली गेंदें रखी है, एक गेंद निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें एक गेंद निकाला जाएगा, तो टेल के साथ पहले क्या हो सकता है आर वन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है टेल के साथ आर टू, ठीक है। तो इसको बेस में लिखता हूं, आर वन आर टू ये सबको बेस में लिख रहा हूं, ठीक है। वन टू को तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है आर टू भी तो हो सकता है, और क्या हो सकता है टेल के साथ बी वन, टेल के साथ बी टू, टेल के साथ B3, ठीक है। तो ये सभी अवयव हो सकते हैं। अब देखिए आगे का सेंटेंस वाक्य क्या दिया हुआ है, यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है यानी जब हेड आएगा, ठीक है। तो जब हेड आएगा तो एक पासा फेंका जाता है, तो पासा फेंका जाएगा। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्टि, प्रतिदर्श समिष्टि लिखिए, ठीक है। तो जब हेड आएगा, तो हेड आएगा तो पासा फेंका जाएगा, तो पासा फेंका जाएगा तो हेड के साथ एक से लेकर छह तक आ जाएगा। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, तो ये सभी अवयव आ जाएगा इस समुच्चय के अंदर। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16। देखिए क्या दिया गया, एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर छह प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्टि क्या है, तो इसका तो इनफिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन कब तक फेंका जाता है, जब तक उसमें छह प्रकट ना हो जाए। तो इसका हमें सैंपल स्पेस ज्ञात करना है। तो देखिए हम कुछ कुछ लिख देते हैं, ये तो वैसे अनंत तक जाएगा। देखिए हो सकता है कि पहले बार में आ जाए, मेरे पास एक पास है उसे मैं फेंका तो पहले बार में छह आ जाए, तो एक अवयव छह हो जाएगा। हो सकता है कि
एक बार में छह नहीं आया तो दो बार फेंकना पड़े, ठीक है, दो बार फेंकूंगा तो पहले एक आएगा फिर दूसरे बार में छह आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहले दो आ जाए फिर छह आ जाए, तीन के साथ छह हो सकता है, चार के साथ छह, पांच के साथ छह, और छह के साथ छह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ही बार में छह आ गया तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, एक ही बार में छह तो ये सब हो जाएगा अव्यव। अब हो सकता है कि तीन बार फेंकना पड़ जाए, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहले बार में एक आ जाएगा, दूसरे बार में भी एक आ जाएगा, फिर तीसरे बार में छह आएगा, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसी के साथ पहले बार में एक आ जाए, दूसरे बार में दो, फिर तीसरे बार में छह आ जाए, तो ये कहां तक जाएगा, एक के साथ पांच छह तक जाएगा ये, ठीक है, पहले बार में एक फिर पांच फिर छह, तो ये जाएगा अनंत तक। फिर वैसे ही पहले बार में दो, दूसरे बार में एक, तीसरे बार में छह आ जाए, फिर दो के साथ दो फिर छह, तो ये भी जाएगा कहां तक जाएगा, दो पांच छह तक जाएगा। वैसे ही तीन के लिए भी लिख देता हूं, तो तीन के साथ एक आएगा फिर छह आएगा, तीन के साथ दो आएगा फिर छह आएगा, तो ये कहां तक जाएगा, तीन के साथ पांच फिर छह आ जाए, तो ये सब चलते जाएगा। ये कहां तक जाएगा, देखिए ये जाएगा पांच के साथ पांच फिर छह आ जाए, तो ये फिर भी चलते जाएगा। हो सकता है कि तीन बार में भी छह ना आए, ठीक है, तो उसको चार बार फेंकना पड़े, तो ये अनंत तक जाएगा। तो तीन डॉट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये होगा इसका सैंपल स्पेस, ये हो गया उत्तर प्रश्न क्रमांक 16 का। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली 16.1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।